फ्रेंड्स, ये हमने इसको उल्टा जमा लिया है। ये हमने इधर से 2.5 इंच का लिया है और इधर से 3 इंच का लिया है। हम इसमें 3 तरफ सिलाई लगाएंगे जमा कर के। इस टाइप से हम इसको जमा लेंगे और इस पर स्टिचिंग करेंगे। मैं आपको स्टिचिंग करना भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे इस टाइप से। इस टाइप से हम 3 तरफ स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा स्क्वायर हमने इसमें 2 तरफ स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इस टाइप से हैंड की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके 2 ही कोने निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर रुई भरेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको जिस तरफ से हमने ओपन रखा था उस तरफ से हम हमारी डोरी इंसर्ट कर इस टाइप से स्टिच कर लेंगे इसमें। फ्रेंड्स, हम इसको फोल्ड कर इस टाइप से इसमें हम चला कर इसको हमने 1/4 सर्कल है ये। हम इसको भी सीधा कर लेंगे, 3 और बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें टेसल्स लगाएंगे। हम इसमें मोती लगाएंगे गोल्डन कलर के, 2 मोती डालेंगे। उसके बाद एक टेसल्स लगाएंगे उसमें इस टाइप से। तरफ से हम इस टाइप से हम इसको टाकेंगे 3 जगह और हम इसमें गठान लगा लेंगे इस टाइप से। हमने ये भी टाका है, एक और टाक लेंगे, एक और टाक। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये टेसल्स हमारे बनकर रेडी हो गए। या आप कुर्ती में लगाएं, ब्लाउज में लगाएं, या फिर किसी और चीज़ में लगाएं, या फिर आप ट्राउज़र में लगाएं, काई में भी लगते हैं, या फिर आप लहंगे में लगाएं। ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये बहुत सिंपल से आप अपनी ड्रेस से मैचिंग बनाएं। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।